है हासिल के लिए। हासिल का मतलब क्या है? एक चीज को महदूद करना, भी मैं आज ना मजे से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बीबी नहीं, खुदा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या तुम्हारे लिए आई हूँ। कहते ना हम लोग शादी में आप जाते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। इमाम हुसैन फरमाए इन्ना, मैं सिर्फ और सिर्फ किसी लिए कयाम कर रहा हूँ, ये इन्ना याद रखिएगा। इसको अरबी में कहते अदादे हस्ती, यानी एक चीज में महदूद करना कि यही मकसद है, यही टारगेट है और यही मंजिले मुराद है। इमाम हुसैन फरमाए इन्ना खरजतु, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रहा हूं मदीना छोड़कर अहले बयाल के साथ, मां बहनों के साथ, बच्चों को साथ लिए, लितलब इस्लाह फी उम्मत जल्दी, मेरे नाना की उम्मत को इस्लाह करने। अब उर्दू में हम लोग कहते हैं ना, आप अपने हस्बैंड से कहते हो कहां जा रहे हो आप इस वक्त, वो कहते मैं खत निकालने जा रहा हूँ, है ना। नाई शॉप जाना होता है, कहते मैं खत निकालने जा रहा हूँ। पर्शियन में जब आपको नाई शॉप जाना हो या आपने जो है पॉलर जाना हो तो उसे कहा जाता है मन बड़े इस्लाह करा मेरा, यानी मेरी दाढ़ी लंबी हो गई है, मेरे बाल तितर बितर हो गए, मैं सेट नहीं हूँ, तो मुझे किस चीज की जरूरत है? इस्लाह की जरूरत है, मुझे अपने आप को बेहतरीन अंदाज में रखना है। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे ये माशरा, ये सोसाइटी, कहा तो नबवी कहा जा रहा है लेकिन इसको इस्लाह की जरूरत है, इसको पॉलिश की जरूरत है, इसको किसी ऐसे, मैं नहीं कहूंगी ब्यूटिशियन, लेकिन किसी ऐसे बानी की जरूरत है जो कयाम करबला के बगैर वो इस्लाह, वो खूबसूरती, वो मकसद कभी भी हासिल नहीं होगा। सुबोला फरमाए इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मति जन्नी, मुझे अपने जन की उम्मत की इस्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए मैं जा रहा हूं। अब ये इल्मी गुफ्तगू आज थोड़ा आपको टफ लगेगा लेकिन चलिएगा मेरे साथ, बिस्मिल्लाह करें। ये जो इस्लाह है इसका अपोजिट कुरान में अगर आप देख ले वो क्या है? फसाद। कुरान में इस्लाह का जो अपोजिट है वो क्या है? फसाद। शहीद मुतहरी का नाम आप सबने सुना है, उन्होंने जो कयाम हुसैनी पर किताब लिखी है, बड़ा हसीन एक टाइटल और कुरान की तफसीर के हवाले से भी किताब लिखी, उसमें उन्होंने एक जुमला बोला है, आई होप कि मैं उसका हक उर्दू में अदा कर पाऊं। वो कहते हैं कुरान वो किताब है और खुदा वो कातिब है, खुदा वो मुतकल्लिम है, जिन्होंने एक नई ग्रामर की बुनियाद कुरान में फसाद और मलावत इलाही के साथ रखा है कि कुरान में आप जहां जहां डिफरेंट जगहों में कुरान में आप देख लो जोजहाए मुतजाद। ये शहीद मुतहरी का मतलब एक इनवान है जिसे मैं अगर बोलूं अपोजिट पे शहीद मुतहरी कहते हैं। ये कहीं खुदा से पहले, कुरान से पहले कहीं इस तरह जिक्र नहीं होता था, लेकिन ये कमाल है खुदा है, ये मौजज़े कलाम है खुदा है। खुदा ने कुरान करीम में जो है अपोजिट पेयर को एक ही आयत में बयान किया है। मुझे लगता है मैं बोलूं ये मिसाल तो आप जो है ना इसको जवाब दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल खुदा ने जहां कुरान में खैर कहा है, अपोजिट पेयर इसका क्या है? शर, है ना। जहां खुदा ने कुरान में अदल कहा है, अपोजिट पेयर इसका क्या कहा है? जुल्म। जहां खुदा ने कुरान में इस्लाह कहा है, अपोजिट पेयर खुदा ने इसका क्या कहा है? फसाद। क्या हसीन कलाम है खुदा है। देखिए इसी तरह परवरदिगार आलम ने जहां जुल्मत कहा है इसका अपोजिट पेयर क्या बयान किया है? नूर। जहां परवरदिगार आलम ने शकावत कहा है इसका अपोजिट पेयर क्या है? सआदत कहा है। और जहां परवरदिगार आलम ने फिलोसफी और फर्श अज़ा के लिए क्या टाइटल दिया है? इल्म। इसका अपोजिट पेयर क्या है? जहल। ये वो एक सिलसिला है जो परवरदिगार आलम ने कुरान से शुरू किया है लोगों में शऊरी तरक्की लाने के लिए, इस्लाह को ज्यादा शऊर में भी इस्लाह लाने के लिए।
परवरदिगार आलम ने बयान किया है और कुरान भरा पड़ा है। काइंडली कभी कुरान को परखा करें, समझा करें, कुरान को तिलावत के साथ पढ़े, आपको ऐसे हसीन अपोजिट पेयर्स आपको नजर आएंगे। मैं जो मेरा टॉपिक है इस्लाह, हाँ इस्लाह के लिए खुदा ने हर जगह क्या लाया इसके अपोजिट में असास। मैं भी कुरान की आयत आपके दिल असास में तिलावत करती हूँ और मुश्किल से मैंने इसको निकाला एक ही आयत में खुदा समझाने के लिए कि इस्लाह कहाँ कामिल होगा, जहाँ फसाद ना हो, वो फसाद अखलाकी भी ना हो, वो फसाद अकीदती भी ना हो, वो फसाद सियासी भी ना हो, वो फसाद फैमिली इशूज में भी ना हो, वो फसाद इबादत में भी ना हो, वो फसाद क्या अकीदा में भी ना हो, तब जाकर खुदा कहते हैं तुम क्या कर सकते हो, इस्लाह कर सकते हो। प्रभु से उसी इस्लाह के लिए मदीना छोड़कर जा रहे और आगे करीब में ये आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम फरमाए अल्लाह यालम मुफसिद मिन अल मुस्लिम। खुदा कहते हैं बंदा है नमाज ही नमाज, रुकू ही रुकू, ज्यारत आशूरा ही ज्यारत आशूरा, ज्यारत जामिया ही ज्यारत जामिया। एवरी ईयर वॉक के लिए वो करबला जाया करते हैं। खुदा कहते हैं मैं नियतों को जानता हूं, मैं देख रहा हूं। अल्लाह यालम खुदा जानता है किस चीज को, मुफसिदा मिनल मुस्लिम, कि सही मानों में खुदा का नाम लेकर, ज़ियारत का नाम लेकर, अकीदे का नाम लेकर फसाद फैलाने वाले कौन है। और खामोश रहकर सिंसियरिटी के साथ सिर्फ ये नारा लगाते हुए वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई देखे ना देखे, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ की लड़ियां बिछाए ना बिछाए, मेरी सास मेरी तारीफ करे ना करे, मेरी फैमिली को मेरी कुर्बानियों का एहसास हो ना हो, वो खुदा है, वो देख रहा है, वही इस्लाह करेगा। और वहां से किया जा रहा है, मुझे पता है मेरी कोई मेहनत करी जाया नहीं जा रही। देखिए ना हम लोग इस्लाह को किस निगाह से देखते हैं, और खुदा कुरान करीम में इस इस्लाह के सर्कल को इतना बढ़ा रहा है, इतना बढ़ा रहा है। खुदा कह रहा है मेरे लिए ये क्वांटिटी, मेरे लिए ये तूने रुकू, मेरे लिए ये तूने सुजूद, मेरे लिए ये 40 दिन ज़ियारत, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैंने यहाँ है खुदा इस्लाह के लिए क्या है, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी के ये एक आयत। देखिए एक ही आयत के अंदर खुदा मुफसिद को मिला रहे और साथ में क्या इस्लाह को मिला रहे। सेकेंड आयत आप सुन लीजिएगा الذين يصلحون في الارض ساسیں بیٹی کے شوہر ہے بیگا زادہ جس کی کوشش یہ ہوتے چھوڑ کے رہے ایک پلیٹ فارم پہ آئے محبتوں کا پیغام پھیلائے کبھی کینا بوکس کی گنجائش نہ چھوڑے حد امکان نیکیوں کو سمیٹنے میں پہل سلام کرنے میں پہل خدا کہتے ہیں الذين يصلحون في الارض ولا يفسدون कभी भी आजादारी के प्लेटफॉर्म पर, घर में रिश्तेदारी के प्लेटफॉर्म पर, ऑफिशियल कामों में कोलीग्स के साथ रफ्तार और किरदार में जिनकी कोशिश होगी फसाद ना फैलाए, शर का बायस ना बने, बल्कि हर जगह इस्लाह का अलमबरदार बने रहे, वही खुदा फरमाते हैं मुत्तकी है, वही इंसान काबिल है, और उसी ही के आकबत बखे और उसके घर को जैसे कल मैंने बताया मौला अली ने क्या फरमाया कजअय बहेश्ती। प्लीज इस लफ्ज को याद रखिएगा, क्या फरमाया मौला ने, बुकअतुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा आपके घर को बना देगा। जिस घर में घर वाले, अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या हसीन हमारा मजहब है इक्वालिटी के साथ, कोई जेंडर गैप नहीं है। यहाँ मर्द है तो बगैर शादी का निजाम है, तुम औरत है तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम कौन आई इस्लाह करने वाली। खुदा कुरान में बता रहे, खुदा कुरान में बता रहे प्रायोरिटी मेरे लिए और मजहब और मसलक के सैयद और शहदा इमाम हुसैन में किसका नाम बुलंद होगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो इस्लाह के लिए अलमबरदार बने, जो इस्लाह के लिए आगे आगे पेश हो, उसी के घर को परवरदिगार आलम को कहे जन्नत
और उसके वजूद को खैरुल बरिया बनाएगा। सलामत भेजिए। सब मिलकर जवाब दीजिए। नमाज पढ़ो, एक है कहते नमाज की जरूरत ही नहीं है, एक है कहते कजाए उम्र, दो रकअत नमाज पढ़ना सारी जिंदगी
मैं कहती हूँ मज़लूम है हमारे नस्ल जवान, बहुत गरीब है, मज़लूम है आजकल के यूथ। सुने तो किसको सुने, लब्बे किस आवाज पे कहे, किस दीन को हकीकी दीन कहलाए, किस हुसैनियत को वो असली हुसैनियत कहलाए। सुलेमान हुसैन फरमाते इस्लाह है अकीदा के लिए मैं निकला हूँ ताकि मैं बता सकूं ये है असल अकीदे हैदरी, इस्लाह है अकीदा। और मैं आपको क्या बताऊं, सुन लीजिएगा, इस्लाह है एहतिसाब, मतलब इकोनॉमिकली भी क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए इस्लाह की जरूरत है, कज़बुल अतबुतूनकुम बिलहराम, मतलब है मस्जिद का कबूतर लेकिन तलवार की धार को तेज कर रहे हैं। मुफस्सिर कुरान है, कारी कुरान है, जंगे सफे में मौला अली के साथ है लेकिन शबे आशूर तलवार की धार को तेज कर रहे। क्यों? कल सबसे पहले मैं जाऊंगा हुसैन का सर कलम करने। थोड़ी देर की सोचिए तो सही, इस्लाम किस कदर जरूरी है। ये जो ब्रेड वॉश किया जाता है, क्यों अपने आप को सुसाइड करने के लिए बम पहनकर आकर लोगों को उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं? इस्लाह अकीदा नहीं हुआ है। मैं कराची की मिसाल दूं आपको, मुझे कल परसों मजलिस में कहा मेरे फादर ने 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए नमाज नहीं पढ़ी खानों। अरे क्यों नमाज नहीं पढ़ी? वो कहते मैं नजिस हूं, मैं नमाज इस तरह नहीं पढ़ना चाहता। इस्लाह है अहकाम, फिक्हे तशय्यो को बयान करने की जरूरत है। भाई नमाज आपको पता है, खड़े ना हो, बैठ के ना हो, लेट के ना सही, इशारों में ना सही, आंखों से आंख में नहीं ला सकते हो तो नियत से ही तुम नमाज पढ़ो। नमाज तुम कहीं नहीं छोड़ सकते, कहते लेकिन 14 दफा करबला में है लेकिन 4 महीना कंप्लीट हो गए अभी तक वो नमाज नहीं पढ़े। वो कहते जब तक फिट फाट गुसल करके पाक पाकीज़ा सफेद लिबास नहीं पहनूंगा मेरी नमाज नमाज चाहते। इस्लाह अकीदा की जरूरत है, इस्लाह अहकाम की जरूरत। अब समझ गए ना आप किस कदर ये इस्लाह का दायरा वसी है, किस कदर वसी है इस्लाह का। ये वो टॉपिक है जिस पर 2.5 महीना मैं कहती हूँ हर मेंबर से, हर आलिम को इस पर बात करनी चाहिए तो सारा मुआशरा, ये पूरे रिज़विया सोसाइटी इमाम हुसैन की छतरी के नीचे आ जाएंगे। बखुदा जहाँ खानवादा के भी इस्लाह, जहाँ अखलाक के भी इस्लाह, जहाँ अकीदे के भी इस्लाह, जहाँ औलाद की तरबियत की भी इस्लाह, जहाँ एजुकेशनली इस्लाह, जहाँ फाइनेंशियली इस्लाह, जहाँ मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल होंगे। क्या बताऊँ आपको, अगर ये इस्लाह ये अशरा अपना हक अदा करने में कामयाब हो जाए, आपको पता है आप किस दायरे में और किस सर्कल में शायद शामिल हो जाएंगे। मन अहब बना मिन शीअतिना, जो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के कोशिश कीजिएगा। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते इस्लाह जब कंप्लीटली हो जाए, जो इस्लाह भी मैंने सब बताया आपको, इतने सारे इस्लाह और बीमारियों का भी, जिसके लिए हुसैन ज़ैनब को, बच्चों को, अहले अयाल को हमने अपने हमरा लिए मदीना छोड़कर निकले। अगर आपको इस्लाह करने में कामयाब हो, आपके लिए नारा जन्नतुल मकीन से लगाया जा रहा है। नारा लगाने वाला कौन है? फिक्हे जाफरिया की फाउंडेशन और बुनियाद रखने वाले हस्ती, जिससे मुझे और आपको आइडेंटिफाई मिल गई, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। क्या नारा लगा रहे? मन अहब्बना मिन्ना, मन शैयाना मिन शिअतिना व मिन्ना। ये जनाजा है, हाँ ये जनाजा है, मैं मिसाल जो इमाम ने कलाम फरमाया वो आपके सामने रख रही हूँ। ये जनाजा है, डेड बॉडी है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे। मेरी प्यारी प्यारी ज़ाकिरात सुन लीजिएगा, मौला फरमा रहे कि मन शैया बना, जनाजा उठाया हुआ है, मुझे बताएं तशी के जनाजा करने वाले इमाम बारगाह सामरा की तरफ आएंगे जनाजे के साथ या मैदान में चले जाएंगे? इमाम बारगाह की तरफ आएंगे।
उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहां जहां जनाजा जा रहा होगा। इमाम फरमा रहे खुदा रा जिसे तशहीद करने वाले जनाजा को फॉलो करते हैं, तुम लोग ना आगे को जाए ना पीछे को जाए, ना हमें खुदा का दर्जा दे ना कम्प्लीटली हमें किनारे पे छोड़ दे। जैसे तशहीद करते हैं ना हमारे साथ साथ रहे, हमारे साथ साथ चले। आपको घर में भी हो, आपको ऑफिस में भी हो, आपको तरबियत में भी हो, आपको यूनिवर्सिटी में भी हो, आपको कॉलेज में भी हो, सॉरी टू से वो फर्शे अज़ा पर भी हो, वो मेंबर में भी हो, वो खलबत में भी हो, वो जलबत में भी हो, वो ये सेल फोन के अंदर हो, वो रिसेप्शन में हो, वो निकाह हो, वो शादी हो, हमेशा जैसे जनाजे के साथ तशरीफ वाले जाते हैं, तुम हमारे साथ साथ चलो। मैं नारा लगाऊंगा क्या मन अहबना मिन्ना तुम मिन्ना अहलुल बैत। दुनिया तलब फैला देना कि दो चीज
मोहम्मद अनफिया को लेटर में लिखा देता है मैंने इस्लाम की उम्मति जब दीपो अलग बाबे मोला जरा मसीह इसकी वजाहत कीजिए किस लिए जा रहे हैं आप बिस्मिल्लाह इमाम हुसैन अलैहि सलाम का जवाब सुन लीजिएगा जो मुझे मिला वो मैं आज आपके सामने रखूं सबसे पहले बार बार पूछने पर इमाम ने रिपीटिशन के साथ रिपीटली ये जवाब दिया नंबर वन लिटोरिया महालेमा में दीन लिखी कह रहे खुदाया ये लोग तुमसे पूछने में क्यों जा रहा हूं मेरा मकसद क्या है सुन ले अजीजान जो ढाई महीने से फर्श अज़ा का मेहमान बन रहे बोलो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए लिटोरिया महालेमा में दीन है खुदाया मुझे दीनदारी की निशानियों को जाहिर करना है समझे आप मौला फरमा रहे लिटोरिया मुझे दिखाना है मुझे अलमबरदार बनना है मुझे दुनिया के सामने आया करना है किस चीज को दीन की निशानियों को थोड़ी देर के लिए प्लीज समझा कीजिएगा ये दीन की निशानी क्या है या इमाम हुसैन दीन की निशानी ज्यादा से ज्यादा इमाम बारगाह ज्यादा से ज्यादा मस्जिद बनाना जिस गली में जाओ जिस मोहल्ले में जाओ डेढ़ इंच की मस्जिद है ये दीन की निशानी है मौला बताइए जरा एक्सप्लेन कीजिए क्या कौन से निशाने दिखाने आप जा रहे हैं जिसके लिए इमाम ज़ैनब को अली असगर को उम्मे रबाब को बीमार बेटी को छोड़ के बहनों को अपने साथ लिए यतीम भतीजे को लिए आप चल रहे और मौला ने एक मकसद क्या फरमाया लिनोरिया महालेमा दीन है मुझे महालेमा दीन को जाहिर करना है महालेमा दीन मतलब दीन की निशानियां अब दीन की निशानियां मैं आपसे पूछती हूँ एक सोसाइटी जो दीनदार रिजिड सोसाइटी है उसमें दीन की निशानी पर्दा है या बेपर्दा है यही बात है ना इमाम हुसैन फरमा रहे शराब खाली है या शराब से दूरी है मस्जिद है या क्लब है झूठ है या सच है मतलब दीन की निशानी इमाम हुसैन फरमा रहे मुझे दीन की निशानियों को जाहिर करना है मुझे बताइए दीन की निशानी क्या क्या चीज है जुल्म है या तआवुन करना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे नमाज है दीन की निशानी या बेनमाज है दीन की निशानी अजान पे लबैक कहना है या अजान पे कुछ और करना है मौला फरमा रहे कुछ भी बाकी नहीं रहा इसलिए मैं जा रहा हूं दीन की निशानियों को जाहिर कर और किस तरीके से मौला ने जाहिर किया कि नमाज के लिए मोहलत मांग रहे नौ के नजा से कुरान की तिलावत फरमा रहे बहनों को बेटियों को असीरी के लिए आमादा किया दीन की निशानियों को जाहिर करने के लिए एक वाकया आपके सामने रखने जा रही हूँ प्लीज इसको समझ लीजिएगा ज़ियारत जामिया में एक जुमला है अगर मुझे याद आ जाए अभी एक सलावत भेजिए ज़ियारत जामिया में एक हसीन जुमला है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिमवालातिकुम अल्लमना हम बिमवालातिकुम अल्लमना महालिम दीन को यही जो नारा इमाम हुसैन ने लगाया बिमो वाला देखो विलायत के पंचम के साए तले हम आए हमारे घरों के छतों से अलम का फरेरा लहराया हमें क्या मिला हमें दीन की निशानियां नजर आनी शुरू ज़ियारत जामिया में आप अब चलिए बहुत ही हसीन एक वाकया एक नए एंगल से आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ जबकि बहुत में शहीद हुआ है ये जवान जिसका नाम है हंजला नाम सुना है अहले इल्म में आप लोग हंजला गसीलुल मलाइका मतलब शादी हो रही थी सुहागरात सुबह सवेरे ये जो है गुस्ल से पहले बुलावा आता है वो सब को छोड़कर एक रात के दुल्हन को छोड़कर ये चले जाते हैं जंगे उहद में रसूल खुदा के साथ दूल्हा है इवन फ्रेश होने का भी सो टाइम नहीं मिला जंगे उहद में शहीद हो जाते हैं दूल्हे का जनाजा घर आता है और से सुनिएगा जो बात मैं करने जा रही हूँ और ये मकसद है इमाम हुसैन इस्लाम के अलावा इमाम हुसैन ने क्या फरमाया
जाना दीन की निशानियों को क्या करो, जाहिर करो, है ना, जाहिर करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी में एक निशानी हम सबको नजर आ रहे हैं, अलम सबको नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं अलम बरदार कितने हैं, वो निशान है ना। तो हंसला का जनाजा आया, उसकी डेड बॉडी आई, उसकी वाइफ बहुत ज्यादा हुई, रसूल खुदा ने कहा बेटी मैं कंडोलेंस के लिए आया हूँ, तस्लियत करने आया हूँ, बट मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड ने एक साथ दो गुस्ल किए और इसको गुस्ल किसने दिए, मलाइका ने दिया, है ना, मलाइका ने इसको गुस्ल दिए, गसीलुल मलाइका, जिसके जनाजे को गुस्ल ही किसने दिया, मलाइका ने दिया। साथ में बोला ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें गुड न्यूज दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ, जो इस्लाह के बाद खुदा के लिए कदम उठाए ना, खुदा कभी भी उसको शर्मिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हें अल्लाह ताला औलादे नरीना से नवाजेगा, जस्ट एक रात तुम्हें खुदा औलादे नरीना से नवाजेगा। परवरदिगार आलम ने इनको क्या दिया, एक बेटा अता किया। हाँ, उस बेटे का नाम क्या है, अब्दुल्लाह बिन हंजला। सुनिएगा आगे क्या हुआ, अब्दुल्लाह बिन हंजला एक रात का दूल्हा बाप शहीद हो गया, मलाइका ने गुस्ल दे दी, खुदा ने रसूल की दुआ से उन्हें एक बेटा अता किया, मगर हुआ क्या, उस एक बेटे को रब ने आठ बेटे अता किए। कितने बेटे अता किए, आठ बेटे परवरदिगार आलम ने उसको अता किए। आई डोंट नो, मैंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च किया, आठ बेटों में से कोई एक भी कर्बला नहीं गया, सब मदीना में थे, कोई एक बेटा भी कर्बला नहीं गया, आठ के आठ मदीना में थे। जब इमामे मैं तहकीक भी नहीं कर रही हूँ, मैं तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने पाया वो आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो आठ बेटे कर्बला नहीं गए, बाप गसीलुल मलाइका। हुआ क्या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद ने फील किया कि ज़ैनब स्पीच कर रही है और सैयद सज्जाद, मैंने आपके रिजविया में मजलिस पढ़ी थी, वो सारी एक्टिविटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, मैंने बताया था ना कि अंगूठी पे इमाम ने पैगाम लिखा, 50,000 गुलामों को सेमेस्टर फोर सेमेस्टर डिजाइन किया, उन सबको बिजनेसमैन बना दिया, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया, उनसे कहा तुम आजाद नहीं हो, तुम मेरा वकील बनकर पूरी दुनिया में मैं तुम लोगों को बेच लूं। पूछो करिश्मा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करके दिखाया, यजीद को एक खौफ आया, और से सुनिएगा ये इस्लाम क्या चीज है। शाम में वो डर गया, उसने कहा ये भूखी भतीजा मुझे खत्म ही करके रहेंगे, ये ज़ैनब मुझे नहीं छोड़ेगी। एक तो शाम में जो खुतबे बीबी ने दी, और सेकंड उसने कहा मुझे मदीना को अपने कब्जे में रखना है, और मदीना में ये दोनों मिलकर ये एक्टिविटी मेरे नाम के नीचे बैठकर कर रहे, क्या करूं मैं। क्या किया, मदीने के सरदारों को उसने शाम में वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ दावत दे दी, ये हिस्ट्री की हकीकत मैं आपके सामने रख रही हूं। मदीने के बुजुर्गों को, सरदारों को, अमायनीन शहर को उसने दावत दे दी, कहा शाम में वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ। जब ये सारे सरदार, जब ये सारे अमायनीन, जब ये सारे कबाइलों के सरदार कहां पहुंचे, शाम में। अब मदीना के अमायनीन में एक शख्स जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी, उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन हंजला, हंजला का बेटा, ये भी गया कहां पर, शाम में। क्या कहने लिए अगर आप तारीख को पढ़े, कहने के हर एक बंदे के सामने उसने सरो सेवन फैला के रखा, जाहिर इसी तरह उसने कंट्रोल करना था। और दो महीना अमायनी ने मदीना को उसने खातिरदारी की, घुमाया फिराया, कहा जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो, वीआईपी गेस्ट रूम इन सबके लिए बनाया। आफ्टर टू मंथ्स जब ये अमायनी मदीना दौड़ कर आए, मदीना वाले दौड़ दौड़ कर सारे मदीना वाले आए कि पता नहीं क्या खबर लेकर आए हमारे लिए शाम से, दो महीने बाद ये लोग वापस आए। सारे मदीने वाले जैसे आप लोग हैं, याद रखिएगा इसमें एक कौन था, हंजला का बेटा, अमायनी ने शहर में उसका नाम आता था। ये लोग जब पब्लिक से मिले तो पब्लिक ने जो है इनसे सवाल किया,
कैसे लगा आपको अमीर शाह? लेकिन हुसैन की शहादत की 2 साल बाद की बात मैं कर रही हूँ। करबला सन 61 हिजरी में हुआ, ये वाकया सन 62 हिजरी की मैं बात कर रही हूँ। कैसे लगा, क्या किया यजीद ने आप लोगों के साथ, क्या दिया यजीद ने आप लोगों के साथ? सब खामोशी थी, सबकी जेब में क्या थी, सबकी जेब में बड़ी हुई थी। लेकिन अब्दुल्ला बिन हज़रा उसने कहा इधर आ जाओ, मैं तुम सबको बताता हूँ। लोगों जानते हो आजकल खलीफा कौन बना हुआ है? यजीद बिन मुआविया। यहाँ पर भी मेरी की मंजूरी हो रही ना, सुन लीजिएगा, यजीद बिन मुआविया अमीर बना हुआ है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन बना हुआ है। मैं 2 महीना उसके साथ रहकर आया, बता दूं कैसे जोहर की अजान हो रही होती है, वो शराब पीकर मस्त खुलकर कहा अब्दुल्ला बिन हंजला ने, कोई अहकाम इलाही की पाबंदी क्या पामाली मैंने शाम में देखा, नाजायज ताल्लुकात है उसके, मिक्स गैदरिंग में रख रहा है, हलाल है खुदा को हराम, हराम है खुदा को उसने हलाल किया हुआ है। लोगों ने कहा क्या करे अब्दुल्ला, इमाम हुसैन तो शहीद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर वो सारी पाबंदियां, जनाब ज़ैनब घर में उम्मुल बनीन को लेकर फरशे अज़ा बिछाते रहे, 4 साल से ज्यादा तो बीबी ज़ैनब भी नहीं रही, क्या करे? अब्दुल्ला बिन हज़रा ने कहा तुम लोग जाने, तुम्हारा ईमान जाने, मैं तो ये देख रहा हूँ ये मुआशरा इस्लाह तो क्या ये तबाही की जानिब जा रहे, तुम लोग करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मैं अपने 8 बेटों को लेकर क्याम कर रहा, 8 बेटों को लेकर अमीर शाम के खिलाफ मैं क्याम कर रहा हूँ, वरना ये मुआशरा तबाह हो जाएगा, ये मदीना मदीनतुल रसूल नहीं होगा, मदीनतुल गिना मदीनतुल मौसिकी मदीनतुल गुनाह मदीनतुल फसाद, मुझे तो क्याम करना है, मैं अपने 8 बेटों के साथ क्याम करूंगा। और इन्होंने क्याम किस अंदाज में की मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरह से इन्होंने क्याम किया, ऐसे क्याम किया कि मलऊन यजीद को जब खबर हुई, आप हिस्ट्री को थोड़े सा स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, वाकई ये हर रहा, इन्होंने बेटे को लिया, 8 बेटों को लिया, क़याम शुरू की और यजीद ने मुस्लिम बिन अकबा को भेजा, तो सबसे ज्यादा जालिम शकी एक ही दिन में अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला के 8 बेटों को कत्ल किया एक ही दिन में। और ये वो अजीब वाकयात है, मैं मेंबर से बयान नहीं कर सकती, 2000 लोगों का खून मदीने के गलियों में बहा दिया, खाने काबा के चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, कहते कि घर का दरवाजा खुलता तो खून अंदर जा रहा था, ब्लड ही ब्लड, और बाप के सामने बेटी, बेटी के सामने भाई, भाई के सामने बहन, बहरहाल वो पर्दा चाक करना, वो हुरमतों को पामाल करना के सारा किया दरा इस क़याम के बाद खत्म, सन मतलब ये 63 हिजरी में वो आया। उसके बाद मदीना कहते शहर खुनका, यानी एक सोया हुआ शहर बन गया, किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि इवन मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल सके। इस्लाम किस कदर जरूरी है कि एक ही दिन में देखिए 8 बेटे और क्या बाप को कत्ल, और उसके बाद 2000 खवातीन मर्दों जद की जो है शहादत हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि दीन की निशानियां जो है नजर नहीं आ रही है, तो उन्होंने ये क़याम किया, थोड़ा बहुत कामयाब हुआ, लेकिन उसके बाद उस ज़ालिम शख्स को बेचकर जो है ये क़याम कामयाब नहीं होने दिया। इमाम हुसैन ने 4 मकसद बयान किए, इंशाअल्लाह कल मज़ीद जो 3 मकसद बाकी रहे जो मैं आज नहीं बता सकी वो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह कल मैं बता दूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इस दुआ के साथ प्लीज ये दुआ कीजिएगा, खुदाया हमारे घरों की, हमारी तरबियत की, हमारे दीन की, हमारे अकीदे की, हमारे अहकाम की, हमारे जवानों की, हमारी सियासत की, हमारे सले रहमी की, हमारे गुफ्तार की, ईच एंड एवरी थिंग, यहाँ से इस छत्ती के नीचे जगह देकर हमें इस्लाम कामिल फरमा दे इंशाअल्लाह। ये दुआ ज़रूर कीजिए, और मैं तोहफा दे रही हूँ आपको इसीलिए वो मुजर्रम नमाज जो इमाम
ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। इस नमाज को कहते हैं नमाज इस्तखारा भी कहते हैं कि पहली रकत में अलहम के बाद सूरह मुबारक रहमान और दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह मुबारक हशर। आप बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देख कर भी पढ़ सकते हैं, कुरान खोल कर भी आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। पहले में हम के बाद रहमान, दूसरे में हम के बाद सूरह मुबारक हशर और नमाज के बाद बहुत मुजर्रब हैं। 101 दफ़ा सलावात, 101 दफ़ा तस्बीहात बीबी फातिमा ज़हरा, 101 दफ़ा का मतलब आपने सुभान अल्लाह को 34 दफ़ा पढ़ना है बस, ठीक है। तस्बीह कंप्लीट कर ली सुभान अल्लाह को 34 दफ़ा, ताकि टोटल कितने बने 101 दफ़ा। उसके बाद आपने ये दुआ गूगल पे सर्च कीजिएगा, दुआए इस्तखारा, अस्तग़ीरुल्लाह बिरहमतिक खैरतन फी आफिया, इसको 101 दफ़ा पढ़ना है। फिर आप अपनी हाजत को तलब कर लें, परवरदिगार आलम आपकी और आपके औलाद की आक़िबत को खातमा बिलखीर फरमा देगा इंशाअल्लाह। और कल भी वक्त के पाबंदी के साथ इसी तरह तशरीफ लाइएगा। कल है ताबूत, कल दो ताबूत यहाँ बरामद होंगे इंशाअल्लाह, ताबूत रसूल खुदा और ताबूत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह। अज़ीज करीम के दर से और रहमतुल आलमीन के दर से मेरी कोई भी माएँ बहनें खाली हाथ ना लौटें इंशाअल्लाह। ले चलिएगा सूए करबो बला और आवाज़ को आजाद छोड़ दीजिएगा। उस बीवी को थोड़ी देर के लिए गुस्सा दें जिसकी कम्प्लीटली कमाई करबला में लुट गई और आज भी वो बीवी साए में नहीं बैठ रही है, आज भी वो बीवी ठंडा पानी नहीं दे रही है। वे औलाद ही मान लीजिएगा, साहिब औलाद ही अपने औलाद की इस्लाह इस बीवी से मांग लीजिएगा। अगर आपके रिश्तेदारों में वे औलाद है आज उनको याद करके रोइएगा और इस बीवी के वीरान आंखों का वास्ता देकर मांग लीजिएगा, उजड़ी गोद का वास्ता देकर मांग लीजिएगा। मुझे यकीन है नसीब संवारना है, यहाँ से संवार लीजिएगा, खाली आज किसी ने यहाँ से नहीं जाना है। अजरकम अल्लाह, खुदा सिवाय इमाम हुसैन के किसी गम में आपको ना रुलाए। कहाँ से मैं शुरू करूँ अज़ीज़ान अमल, जब अली अकबर के सीने से बच्ची हुसैन ने निकाल ली, जमीन पे गिरता है या अली मदद के कर खड़े हो जाते हैं। जब हुसैन ने आवाज़ बुलंद हुई, मेरे मौला ने परवाह किए बिना
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين